शराब घोटाले के किंग पिन है, सरगना है, उनका बाया हाथ आज घबरा के हिल रहा है, डर लग रहा है। बाया हाथ क्यों कहा? दाहिना हाथ जो था, जिसको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट शराब घोटाले के किंग पिन पापी आपके अरविंद केजरीवाल देते थे, वो तो 7.5 महीने से जेल में है। कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार की 7.5 शक्ति अरविंद केजरीवाल पर भी असर कर रही है। आज उनका दूसरा हाथ संजय सिंह, उनके यहां पे भी जांच एजेंसियों की रेड होती है। और इस मंच से हम उठाना चाहेंगे, सबसे पहले इस पूरे शराब घोटाले में ये देश की जनता और दिल्ली की जनता जान चुकी है कि कोई सरगना है, किंगपिन है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। उन्हीं के इशारे पे ये शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है। लेकिन 3 तथ्य चिंताजनक है, गंभीर है, ये भारत की जनता के समक्ष रखना आवश्यक है। सबसे पहला, एक्यूज दिनेश अरोड़ा, इन्होंने कबूला है दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक होती है जो शराब कारोबारी हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री आवास ना हो गया, घोटाले का अड्डा हो गया, वहां वसूली हो रही है, कमीशन तय हो रही है। और ये बात कोई और नहीं कहता है, जो एक्यूज्ड है दिनेश अरोड़ा, ये कबूलते हैं। दूसरी बात देखिए कितनी चिंताजनक है, अरविंद केजरीवाल के इशारे पर संजय सिंह कहते हैं कि 32 लाख रुपया पापी आप अराजक अपराध पार्टी के कोष में दो। अब एक सांसद वसूली करता है मुख्यमंत्री आवास पर बैठकर, इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 32 लाख की रिश्वत जो कि चेक से ली गई है, बाकी करोड़ों रुपया हो सकता है जांच की परिधि में सामने आ चुका है, आगे भी आएगा, कैश ट्रांजैक्शन में करते हैं, लेकिन ये 32 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल के कहने पे एक सांसद वसूली कर रहा है, ये चिंताजनक है। और इसलिए भी ये चिंताजनक है कि ये अपने आप को आम आदमी पार्टी बताते थे। आम आदमी लाल बत्ती तोड़ दे तो कार्रवाई हो जाती है। अब ये पापी इतने खास हो गए कि ये करोड़ों का शराब घोटाला करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हम पे कार्रवाई जो हो रही है ये राजनीतिक द्वेष के कारण हो रही है।